न्यूट्रिशन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाय द बैक्टीरियम नेम्ड एज राइजोबियम। तो राइजोबियम एक एरोबिक बैक्टीरिया है और जो 90% लेगुमिनस प्लांट में एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं बाय सिंबायोटिक एसोसिएट फिक्स करते हैं या उसके रूट में फिक्स करते हैं और नोड्यूल के फॉर्मेशन में। सपोज एक रूट ऐसा है तो रूट के जो साइड में वो पूरा नोड्यूल गोल गोल ऐसे बन जाते हैं तो उसमें वो फिक्स करते हैं। अगर हम लोग बोलेंगे कि एक रूट नोड्यूल के बारे में अगर हम बताएंगे आपको तो उसमें हम पढ़ सकते हैं कि जैसे एक सपोज ये एक रूट है तो रूट के जो सारे यहाँ से निकलते हैं वहाँ पे एक छोटे छोटे करके नोड्यूल्स फॉर्मेशन ऐसे गोला गोला करके नोड्यूल्स फॉर्मेशन हो जाते हैं तो उसमें वो अपना नाइट्रोजन उसके द्वारा फिक्स करते हैं। अभी हम लोग वो पूरे प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं जो प्रोसेस है कि एंटो फिक्सिंग सिंबायोटिक बैक्टीरियम राइजोबियम लीव्स इन सॉइल एंड फॉर्म्स रूट नोड्यूल्स इन द प्लांट्स ऑफ द फैमिली लेगुमिनेशिये। तो मैंने पहले बताया था कि इससे लेग्यूम जो प्लांट होते हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्स करते हैं वो लेगुमिनेशिये फैमिली के प्लांट है। उसके बाद राइजोबियम इज अ एरोबिक बैक्टीरिया व्हिच फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय सिंबायोटिक एसोसिएशन विद द लेगुमिनस प्लांट। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि आप वीडियो को पॉज डाउन कीजिए और सारा नोट आप लिख लीजिए पहले, उसके बाद आके मेरा एक्सप्लेनेशन सुनिए। उसमें जो अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बोलूँ तो वो आप आसानी से पेंसिल से मार्क करके वहाँ पे लिख सके। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए वीडियो में पढ़ेंगे कि सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस लाइक लेक्टिन एज अ प्लांट प्रोटीन। लेक्टिन एक शुगर बाइंडिंग प्लांट प्रोटीन है जो रूट हेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द प्रोटीन होता है वो 50-120 किलो डाल्टन होते हैं जो बैक्टीरिया को एक्चुअली अट्रैक्ट करते हैं रूट के तरफ। जो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट के तरफ ये शुगर बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो बैक्टीरिया को रूट के तरफ अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद आता है हेमोसेरिन। हेमोसेरिन एक बहुत ही रेयर अमाइनो एसिड है जो सिर्फ राइजोबियम लेगुमिनेसरम एक स्पीशीज है उस स्पीशीज को ही सिर्फ अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद फ्लैवोनॉइड्स है। फ्लैवोनॉइड्स जैसे कि ल्यूटोनिन, उसके बाद फ्लैवोनॉन, फिर बहुत सारे ये सारा एक्चुअली अट्रैक्ट करते हैं। मतलब कि वो एक मतलब कैल्शियम, उसके बाद कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन भी होते हैं तो वो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन का नाम है रेकाडेसिन। तो रेकाडेसिन एक प्रोटीन है जो एक्चुअली बैक्टीरियल लोग सिक्रीट करते हैं और उसके बाद उसके थ्रू अदर्स जो माइक्रोब्स होते हैं सब लोग स्टिमुलेट हो जाते हैं सॉइल में। उसके बाद एक जो राइजोबियम है वो मतलब प्लांट रूट के आसपास में ग्रो करने चालू कर देते हैं। वो पहले अपना जैसे कि प्लांट पहले तो सिंपल वर्ड में प्लांट जो होस्ट प्लांट रहता है यहाँ पे लेगुमिनस प्लांट। तो लेगुमिनस प्लांट पहले एक थ्री पोर्ट केमिकल सिग्नल या केमिकल सिग्नल मॉलिक्यूल भी में से ये सब सिक्रीट करते हैं जैसे कि लेक्टिन, होमोसेरिन एंड फ्लैवोनॉइड। ये तीन सिक्रीट करने के बाद बैक्टीरिया अट्रैक्ट होते हैं वो सारे जो हम प्रोटीन केमिकल प्रोटीन सिग्नल वो मॉलिक्यूल सिक्रीट करते हैं उससे सारे बैक्टीरिया प्लांट में अट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद जब प्लांट में बैक्टीरिया अट्रैक्ट हो गए उसके बाद क्या होता है कि बैक्टीरिया सब लोग रूट के आसपास ग्रो कैसे करेंगे, रूट के आसपास जब ग्रो करेंगे उसको बोला जाता है पॉजिटिव केमोटैक्टिक्स। तो जब रूट के आसपास ग्रो करते हैं तब बैक्टीरिया लोग एक कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रेट करते हैं जिसका नाम है रेकाडेसिन। उसके बाद राइजोबियम धीरे धीरे प्लांट बॉडी को रप्चर करके रूट वॉल में घुस जाते हैं, वैसे कि रूट वॉल को रप्चर करके वो प्लांट बॉडी में घुस जाते हैं। उसके बाद कैसे क्या क्या करते हैं बैक्टीरिया सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिनेस हेल्प टू डिसॉल्व द रूट सेल वॉल। तो बैक्टीरिया का जो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिनेस सारा है वो रूट वॉल को डिसॉल्व करने में हेल्प करते हैं और इसलिए रप्चर होते हैं रूट वॉल और प्लांट बॉडी में आसानी से राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया है वो घुस जाते हैं। इसके वजह से रूट में थोड़ा कर्ल्स आते हैं। उसके बाद रूट कॉर्टेक्स में मतलब धीरे धीरे वो पहले एक टर्नल बना के घुसते हैं, उसके बाद फिर एंटो फिक्सिंग बैक्टीरिया रूट कॉर्टेक्स सेल्स में घुस जाते हैं। तो उस वजह से एक रूट में कर्लिंग ऐसे होता है, ऐसे कर्लिंग। उसके बाद जो कर्लिंग जो ऑब्जर्व होता है रूट में उसमें क्या होता है कि द कर्लिंग ऐसे होता है कि ड्यू टू द एक्सेसिव सिंथेसिस ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड। उसके बाद रूट हेयर कर्ल्स आप
उसके बाद जो आफ्टर द साइट ऑफ द कर्लिंग बैक्टीरिया वहां पे जहाँ पे कर्लिंग हो जाता है वहां पे बैक्टीरिया इन्वेड करते हैं और उसमें घुस के उसमें पूरे रूट हेयर्स में पॉलीफ्रेट मतलब इधर उधर पूरा फैल जाता है पूरा। उसके बाद असल में ये जो जो घुसते हैं बैक्टीरिया उस प्रोसेस को बोला है इन्फेक्शन। जो ये जो बैक्टीरिया आके रूट वॉल को रप्चर करके घुस रहे हैं उस प्रोसेस को इन्फेक्शन बोला है। और इन्फेक्शन करने की वजह से बहुत सारी इन्फेक्शन थ्रेट वहाँ पे मतलब बैक्टीरिया में जो प्लांट बॉडी में बहुत सारी इन्फेक्शन थ्रेट बनता है। जैसे कि ऐसे दिखेगा एक इन्फेक्शन थ्रेट अगर बन गया तो ऐसे इन्फेक्शन थ्रेट दिखता है और इसके अंदर सारे बैक्टीरिया ऐसे ऐसे घुस जाते हैं। तो ये है रूट हेयर अभी में से ये रूट हेयर है। उसके बाद ये है आपका इन्फेक्शन थ्रेड और ये उसके बाद ये है ये सारे जो ये इन्फेक्शन थ्रेड में एक होल रहता है जहाँ से सारे बैक्टीरिया घुसते हैं। तो ये वाला है बैक्टीरिया अभी में से। उसके बाद जो इसके बाद धीरे धीरे कैसे नोड्यूल फॉर्मेशन होते हैं। तो नोड्यूल जीन्स आर एक्टिवेटेड इन द प्लांट बॉडी। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया लोग घुस गए उसके बाद पूरा फैल गए वो सारे इन्फेक्शन थ्रेड में। उसके बाद कुछ ग्रोथ स्टिमुलेटिंग जीन्स बैक्टीरिया में से सिक्रेट होते हैं प्लांट बॉडी में से सिक्रेट होते हैं जो जिसका नाम है नॉड जीन्स और नोड्यूलेशन जीन्स। तो ये नॉड जीन्स और नोड्यूलेशन जीन्स अल्टीमेटली क्या करते हैं नॉड फैक्टर्स को एक्टिवेट करते हैं। तो और नॉड फैक्टर्स और नॉड जीन दोनों मिलकर प्लांट बॉडी में रूट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद एक्चुअली में जो रूट फॉर्मेशन होता है वो कैसे मतलब वे कैसे होता है रूट फॉर्मेशन वो हम इस कोडिंग फॉर हेम मोटी आर एक्टिवेटेड इन दिस बैक्टेरॉइड। जैसे कि ये हेम मोटी में बैक्टेरॉइड में एक्टिवेट हो जाते हैं विच गिव्स कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ लेड हेमोग्लोबिन। क्योंकि हेम मोटी जो हेम मोटी ये जीन बैक्टीरिया में प्रेजेंट है और ऊपर से जो लेड हेमोग्लोबिन मतलब लेगुमिनस प्लांट से जो जो आ रहे हैं लेगुमिनस प्लांट से जो नॉट जीन नॉट फैक्टर सब लोग आ रहे हैं वो मिलके एक हेम मोटी तैयार करके कंप्लीट हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल तैयार करते हैं जिसके द्वारा इनटू फिक्सेशन होता है। उसके बाद जो ये बैक्टीरिया उसके बाद क्या हो जाते हैं पेरीबैक्टेरॉइड नाम का एक मेम्ब्रेन है उसमें जाके रिलीज हो जाते हैं। उसके बाद आफ्टर द इन्फेक्शन सम नोड्यूल जीन्स आर एक्टिवेटेड विद द बैक्टीरिया विच इज नोन एज नॉड जीन्स। उसके बाद जो आफ्टर द एक्टिवेशन ऑफ द गोल्जी बॉडी रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ द इन्फेक्शन थ्रेड। इन्फेक्शन जैसे मैंने बोला कि ऐसे इन्फेक्शन थ्रेड होता है मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखाया। उसके बाद द मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्मड एट द एपेक्स ऑफ द इन्फेक्शन थ्रेड। लाइक ये जो अगर इन्फेक्शन थ्रेड मैंने दिखाया था ये तो इन्फेक्शन थ्रेड अभी ये जो पार्ट है ये बड़ा हो जाता है और एक मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ओके जैसे कि एक मेम्ब्रेनस ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और इसको हम लोग बोलते हैं पेरी बैक्टीरॉयड मेम्ब्रेन। ओके तो ये पेरी बैक्टीरॉयड मेम्ब्रेन में अभी क्या क्या होता है पेरी बैक्टीरॉयड मेम्ब्रेन में होता है कि बैक्टीरिया आर रिलीज हियर जो इन्फेक्शन थ्रेड से सारा जो बैक्टीरिया है ये सारा बैक्टीरिया यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं। उसके बाद एट दिस स्टेज बैक्टीरिया बिकम्स लार्जर मतलब ये स्टेज में बैक्टीरिया बड़े हो जाते हैं। ओके दे गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द प्लांट बॉडी और प्लांट बॉडी से न्यूट्रिएंट्स मिल मिल के वो लोग मतलब बड़े हो जाते हैं। दिस वन इज एक्चुअल द नोड्यूल फॉर्मेशन जो इन्फेक्शन थ्रेड के एपेक्स में नोड्यूल फॉर्म होता है और क्यों नोड्यूल फॉर्म होता है नॉट जीन्स और नॉट फैक्टर्स के वजह से नोड्यूल फॉर्म होते हैं प्लांट रूट में। उसके बाद नोड्यूल एक्चुअली है क्या नोड्यूल एक्चुअली एक वास्कुलर बंडल है जो जैसे कि वास्कुलर बंडल मतलब हम लोग जानते हैं कि प्लांट बॉडी में वास्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो नोड्यूल एक वास्कुलर बंडल है विच ट्रांसपोर्ट द कॉम्पाउंड लाइक द इन टू जो कंपाउंड बैक्टीरिया को जरूरत है वो नोड्यूल ट्रांसफर करते हैं बैक्टीरिया को एंड फ्रॉम द होस्ट प्लांट बॉडी और द कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द होस्ट प्लांट बॉडी टू द नोड्यूल मतलब जो बैक्टीरिया लोगों को कार्बोहाइड्रेट जरूरत है मतलब बैक्टीरिया को ग्रो अप करने के लिए या न्यूट्रिएंट्स के लिए खाना के लिए उन लोगों के बैक्टीरियल रेस्पिरेशन के लिए या कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है जो कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन कार्बोहाइड्रेट मतलब मिलता है उसको प्लांट बॉडी से और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का जो ऑक्सीडेशन होता है तो वो ऑक्सीडेशन कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन के बाद
वो यूज अप होता है बैक्टीरियल रेस्पिरेशन में, जिसके द्वारा बैक्टीरियल रूट नोड्यूल्स के अंदर और अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। और प्लांट बॉडी को जो जो कंपाउंड्स की जरूरत होती है, लाइक एन टू फिक्सिंग करने के लिए, एन टू प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट बॉडी में सारा जो होता है वो सारा बैक्टीरिया प्रोवाइड करते हैं प्लांट बॉडी को। तो इस द्वारा इसी को बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। जैसे कि मैंने बताया आपको कि ऑक्सीडेशन ऑफ दोस कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी ऑक्सीडेशन होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन ऑफ दोस कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर बैक्टीरियल रेस्पिरेशन। तो बैक्टीरियल रेस्पिरेशन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है प्लांट का कार्बोहाइड्रेट। और बैक्टीरिया को जो मतलब प्लांट को जो जो कंपाउंड्स की जरूरत है एन टू फिक्सिंग के लिए वो प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया। तो ये हो गया दोनों के बीच में एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन। उसके बाद क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ द गॉल्गी बॉडी रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ द इन्फेक्शन थ्रेड। मैंने बोला इन्फेक्शन थ्रेड कैसे होता है, उसके बाद होता है मेम्ब्रेनस इन्फेक्शन थ्रेड के एपेक्स में हो जाता है पेरीबैक्टेरियल मेम्ब्रेन। वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है और एक थैला जैसा बड़ा एकदम हो जाता है रूट हेयर के एकदम एपेक्स में। उसके बाद सिंगल ड्रॉपलेट सराउंडेड बाय प्लांट टिश्यू कंटेन वन और टू राइजोबिया इन इट। द राइजोबिया आर नाउ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इरेगुलर शेप बैक्टेरियोइड्स। उसके बाद राइजोबिया एक इरेगुलर शेप बैक्टेरियोइड्स में ट्रांसफर हो जाते हैं। इट नाउ बिकम्स लार्जर इन साइज एंड सीजेस सेल डिवीजन। इसके बाद वो जैसे कि वो उसको प्रोटीन मिलता जा रहा है, उसको कार्बोहाइड्रेट मिलता जा रहा है प्लांट बॉडी से, इसलिए वो बड़ा होता जा रहा है और सेल डिवीजन उसका बंद करके वो सीज हो गया। जिस टाइम वो एकदम स्टॉप हो जाता है सब कुछ एंड उसका मूवमेंट भी स्टॉप हो जाता है। और दीज मतलब बैक्टीरियल कंटेनिंग बॉडीज जो सैक लाइक स्ट्रक्चर और पेरीबैक्टीरियल मेम्ब्रेन जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरियल कंटेनिंग बॉडी को बोला जाता है सिम्बायोसोम। उसके बाद क्या होता है, जो हमने इतना पढ़ाया बैक्टीरिया हेयर डिवाइड रैपिडली, जब वो खाना खाता है तो बहुत रैपिडली वो डिवाइड करता है रूट कॉर्टेक्स में एक्चुअली। और उसके बाद क्या होता है, पेरी पिक्यूलर फैक्ट इज दैट दीज नोड्यूल्स कंटेन टेट्राप्लॉइड 4n क्रोमोसोम द नंबर्स दे डिवाइड ऑल्सो एंड ऑल्सो इंडल्जेस द सराउंडिंग प्लांट टिश्यू टू डिवाइड रैपिडली अंटिल मल्टी फॉर्मिंग और बिल्डिंग अ स्ट्रक्चर ऑफ द रूट पोर्शन टू फॉर्म अ रूट नोड्यूल। तो ये वाला मैंने बोला आपको कि जो आसपास में वो जो मतलब बैक्टीरिया लोग खुद भी खाना खाते हैं और उसके बाद जो नोड्यूल्स में है वो 4n क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है। 4n क्रोमोसोम स्ट्रक्चर वो टेट्राप्लॉइड स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा वो पूरा डिवाइड करते जाते हैं और आसपास के प्लांट टिश्यू को भी डिवाइड करते हैं, खुद भी डिवाइड करते हैं आसपास के प्लांट टिश्यू को भी डिवाइड करने में हेल्प करता है। और उसके बाद धीरे धीरे एक मतलब इन्फेक्शन जो इन्फेक्शन थ्रेड है इन्फेक्शन थ्रेड के सामने एक बड़ा सा रूट नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये अगर हम लोग क्वेश्चन में आए कि ये इन्फेक्शन की ये प्रोसेस जो हो रहा है, मैंने हम लोग इतना बोल रहे हैं इन्फेक्शन, बट ये कोई नॉन मतलब पैथोजेनिक इन्फेक्शन नहीं है, इससे प्लांट को कोई डिजीज नहीं होता है, ये सिर्फ नॉन पैथोजेनिक इन्फेक्शन है जो कोई रिजल्ट नहीं मतलब कोई डिजीज में नहीं ट्रांसफॉर्म होता है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो का एंड। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज इसको मेरे चैनल को फॉलो अप कीजिए।